On your right, ma'am. Oh, bhai ji. क्या कर रहे हैं मैम? राइट मैम, या कलर भी सही करना पड़ेगा। हिंदी चलेगी? हाँ, थैंक यू। तो ऑनेस्टली इंग्लिश होगा। बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि जिस तरीके से मैंने फॉलो किया है जो अभी फ़िलहाल ये सीज़न 10 जिसको बोल सकते हैं जो चल रहा है अभी ये लीग, जो 1000वां मैच होने वाला है मैंने सुना, लेकिन आज का जो मैच है वो बहुत ही दिलचस्प रहेगा क्योंकि ज़्यादातर ये देखने में आया है कि ये एक काइंड ऑफ एक फेस ऑफ काइंड ऑफ अ मैच है जो ओ यू नीड दिस माइक ये एक फेस ऑफ काइंड ऑफ अ मैच है क्योंकि जो हमारे तमिल थलाइवाज हैं और जो यूपी योद्धाज हैं वो एक फेस ऑफ सिचुएशन में आ गए हैं क्योंकि उनमें से जो जीतेगा वो रहेगा, ऐसी वाली सिचुएशन आ गई है। अनफॉर्चुनेटली देर आर द बॉटम, सो आई थिंक ये बहुत ही एक एक्साइटिंग मैच होने वाला है देखने के लिए। सो आई एम वेरी वेरी डिलाइटेड दैट आई एम हियर ऑनेस्टली। आई थिंक ये बहुत ही इनकरेजिंग है, एक जो जानकारी मिलती है हम सबको कि ये बहुत ही एक सराहा जाता है एंड लोग वेट करते हैं देखने के लिए। ये एक
एक हिसाब से दो हमारा नेशनल स्पोर्ट हॉकी है, लेकिन एक हिसाब से ये भी हमारी मिट्टी का ही स्पोर्ट है. लिटरली इट्स अ, यू कैन से इट्स अ स्पोर्ट ऑफ द सॉइल, क्योंकि जहाँ तक ये देखा जाए हमारे हिंदुस्तान में जितने जितने गेम्स ओरिजिनेट हुए हैं, आप कबड्डी से, चेस से, या तो आप हॉकी भी ले लो, एक सेंस ऑफ प्राइड महसूस होता है जब कहते हैं कि हाँ यार दिस इज़ आर ओरिजिनेटेड प्योर इंडियन स्पोर्ट, एंड उसको सराहाया जाता है तो वो एक सोने पे सुहागा होता है. रिस्पॉन्स बहुत ही प्यारा, बहुत ही बढ़िया मिला है. जैसे कि आपने कहा, काफ़ी लोगों ने यही कॉम्प्लीमेंट किया है, तो बहुत ही